नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूं जन संदेश टाइम्स पर। आज अशोक धम्म दिवस पर जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने अशोक धम्म दिवस पर अशोक की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर उनको याद किया एवं उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए समस्त प्रदेशवासियों को प्रेरित किया। इस अवसर पर देशवासियों को बाबू सिंह कुशवाहा ने अपना संदेश दिया, तो आइए सुनते हैं। सम्राट थे अशोका, उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसी विजय के उपलक्ष्य में 10 दिन का उत्सव मनाया गया था और उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर के भगवान बुद्ध के विचारों को अपना करके बौद्ध धर्म करके आज के दिन से ही उन्होंने भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम किया। उसी उपलक्ष्य में विजय धम्म दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके में मैं पूरे प्रदेशवासियों को जन अधिकार पार्टी के साथियों की तरफ से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और जो साथी हमारे इसको और किसी रूप में या दशहरा के रूप में और किसी रूप में मनाते हैं उनको उस रूप में मनाने के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अशोका ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए किया, इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए किया, इस देश का जो गरीब है, कमजोर है, जो पिछड़ा है, दलित है, किसान है, जो उसके लिए अशोक ने किया, आज उनको जान करके समझ करके जो सम्राट अशोक ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हमें चलने की कोशिश करना चाहिए। यही छत्रपति सम्राट अशोका का संदेशा है कि अगर हम उन्हें याद करते हैं या उनके विजय धम्म दिवस को मनाते हैं तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तभी हमारा इस उत्सव को मनाने का कोई मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर पार्टी के कोषाध्यक्ष प्रहलाद मौर्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गुरबचन सिंह, युवा मंडल प्रभारी लखनऊ एवं अध्यक्ष राहुल मौर्य, झांसी युवा प्रभारी मानवेंद्र सिंह, सिकंदरपुर विधानसभा प्रभारी अशोक मौर्य और प्रदेश प्रभारी अजय मौर्य जी उपस्थित रहे एवं अन्य सक्रिय कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स।